चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं प्राचीन व मध्यकालीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर, यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं हिस्ट्री के बारे में, इतिहास। तैमूर का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? महमूद शाह के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने हुगली में 1651 में अपनी प्रथम कोठी किसकी अनुमति से बनाई थी? शाह शुजा की अनुमति से। अगला है, किसके विरुद्ध अंग्रेजों ने अवध को मध्यस्थ राज्य के रूप में, बफर स्टेट के रूप में रखा? मराठों के विरुद्ध। अगला है, यह किस विदेशी यात्री ने कहा था कि भारत में दास प्रथा नहीं है? ये थे मेगास्तनीज। अगला है, गंगा और सोन के संगम पर पटना में किसने किला बनवाया था? उदयन ने। अगला है, महाबलीपुरम किसके शासनकाल में प्रसिद्ध था? पल्लवों के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, तंजौर का राजेश्वर मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया था? चोल वंश के। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन सा यात्री भारत भ्रमण के लिए आया था? आहान। अगला है, पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर किस मुगल सम्राट के दरबार में था? जहांगीर के दरबार में। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किस सुल्तान का दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। अगला है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? मोहम्मद शाह के शासनकाल पर। अगला है, लॉर्ड कार्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त किसके साथ किया था? जमींदारों के साथ। अगला है, किस बौद्ध आचार्य का मिलिंद के साथ महत्वपूर्ण वार्तालाप हुआ? आचार्य नागसेन का। अगला है, किसने अपने अभिलेख सर्वप्रथम संस्कृत भाषा में बनवाए? रुद्र दामन ने। अगला है, किस शासक ने प्राचीन भारत में जैन श्वेतांबर संप्रदाय को दक्षिण भारत में फैलाया? ये संप्रीति। अगला है, मौर्य वंश में अशोक के अतिरिक्त किस अन्य शासक ने भी देवा नाम प्रिय की उपाधि धारण की? दशरथ ने। अगला है, किस शासक ने गुप्त वंश के राष्ट्रीय चिन्ह को गरुड़ की जगह मयूर कर दिया? तो कुमारगुप्त ने। अगला है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शासक के राज दरबार में रहते थे? शेर शाह सूरी के दरबार, राज दरबार में। अगला है, बैरम खां 1556 से 1560 तक अकबर के शिक्षक रहे, उनकी हत्या किसने और किस स्थान पर की? मुबारक खान ने, पाटन गुजरात में। अगला है, किस मुगल शासक के राज्यकाल में उत्तराधिकार के युद्ध प्रारंभ हुए? शाहजहां के राज्यकाल में। अगला है, उत्तराधिकार के किस युद्ध को राजकुमारों का युद्ध कहा जाता है? सामू गढ़ का युद्ध। अगला, मजहर नामा किस लोगों ने तैयार कराया? अबुल फजल फैजी और शेख मुबारक ने। अगला है, वैदिक सभ्यता थी एक ग्रामीण सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, प्रयाग प्रशस्ति किस गुप्त शासक की प्रशंसा में लिखी गई? समुद्रगुप्त की। अगला, खिलजी वंश की स्थापना कब हुई थी? 1290 में। अगला, सिंधु सभ्यता में स्वास्तिक किसे प्रदर्शित करता था? सूर्योपासना को। अगला, हिंदू पादशाही का आदर्श किस पेशवा ने रखा था? वाजीराव प्रथम ने। अगला है, किस शासक ने भूमापन में जरीब का प्रयोग प्रारंभ किया? यह शेर शाह सूरी ने। अगला है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? केकुबाद। अगला है, किस मुगल मुस्लिम शासक ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, सिंधु सभ्यता की सर्वोत्तम कलाकृतियां किन्हें कहा गया? मोहरों को। अगला, हिंदू पादशाही का आदर्श किस मराठा पेशवा ने रखा था? वाजीराव प्रथम ने। अगला, किस अंग्रेज को जहांगीर में 400 जात का मनसब प्रदान किया था? कैप्टन हॉकिंस को। अगला, फरोख सियर से फरमान प्राप्त करने वाले अंग्रेजी शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? जॉन सरमैन ने। अगला है, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसकी सेवा में थे? रीवा के राजा
रामचंद्र बघेल की सेवा में। अगला है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला है, ढाका से मुर्शिदाबाद राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खां। अगला है, भारत में अंग्रेजी राज की प्रारंभिक अवस्था में अंग्रेजों को पराजित करने वाला भारतीय शासक कौन था? हैदर अली। अगला है, वह स्तंभ कहाँ है जिस पर अशोक का शांति संदेश तथा समुद्रगुप्त की सैन्य विजयों का विवरण दोनों अंकित हैं? प्रयाग में। अगला है, उस राजवंश का क्या नाम था जिसकी हत्या कर सत्ता हत्याई और जिसका अंत भी हत्या द्वारा हुआ? शुंग वंश। अगला है, सिंधु कालीन सभ्यता के किस स्थान से सूती वस्त्र सूती कपड़े के उपयोग के प्रमाण मिले? मोहनजोदड़ो। अगला है, मनुष्य से सबसे पहले किस धातु का प्रयोग करना सीखा? तांबे का। अगला है, मनसबदारों को नगद वेतन के बदले दिए जाने वाले राजस्व क्षेत्र को क्या कहते हैं? जागीर। अगला है, निजामुद्दीन औलिया से शत्रुता मानने वाला सुल्तान कौन था? गियासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन है, किस शासक ने आईने दहशाला पद्धति प्रारंभ की? अकबर ने। अगला है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया था? संभाजी ने। अगला है, मुगल शासन में वह मंत्री जो सेना का प्रधान था क्या कहलाता था? मीर बख्शी बख्शी। अगला है, तैमूर ने किसके काल में भारत का पर आक्रमण किया था? नसरुद्दीन महमूद। अगला है, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है? पुर्तगाली अंग्रेज डच फ्रांसीसी। अगला है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव राजा लक्ष्मण सेन के दरबार को सुशोभित करते थे? राजा लक्ष्मण देव कहाँ के शासक थे? बंगाल के। अगला है, विजयनगर 1336 ईस्वी तथा बहमनी राज्यों के उदय के समय दिल्ली में कौन शासक था? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान का समकालीन था? इल्तुतमिश। अगला है, किस स्थान के अवशेष विजयनगर साम्राज्य की पुरानी राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? हम्पी। अगला है, मामल्लपुरम के रथ स्मारकों का निर्माण किस शासकों ने कराया? पल्लव शासकों ने। अगला है, मुगल सम्राट औरंगजेब किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करता था? वीणा का। अगला है, ऋग्वेद काल निस्क किस अंग में पहनने का गहना था? गले में। अगला है, दिल्ली के किस सुल्तान के अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का साया तथा उसका वायस रिजेंट था? तो गयासुद्दीन बलबन। अगला है, अकबर नामा तथा ऐने अकबरी नामक पुस्तकें किसने लिखी? अबुल फजल ने। अगला है, सभा और समिति प्रजापति की दो पुत्रियां किस वेद में कही गई? अथर्ववेद में। अगला है, आयुर्वेद आयुर्वेद का उद्गम किस वेद से माना जाता है? यजुर्वेद से। अगला है, संगम साहित्य की रचना किस शासकों के संरक्षण में की गई थी? पांडव शासकों के। अगला है, मनसब देने की प्रथा किस मुगल सुल्तान ने प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। अगला है, किस मुगल शासक ने जागीरदारी व्यवस्था की नींव डाली? अकबर ने। अगला है, किस शासक ने आईने दहशाला पद्धति की शुरुआत की थी? अकबर ने। अगला है, दक्षिण का कवि किस भक्ति संत को कहा जाता है? तुकाराम को। अगला है, किस मराठा शासक के समय मराठा राज्य संघ सिद्धांत पर आधारित साम्राज्य में परिवर्तित हुआ हो गया था? शाहू के शासन काल में। अगला है, किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया? राजा जयसिंह ने। अगला है, जयंत तालुकदार किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी। अगला है, विवेकानंद रोक मेमोरियल कहाँ स्थित है? कन्याकुमारी में चट्टानों पर। अगला है, सप्त पगोड़ा पगोड़ा के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? महाबलीपुरम तमिलनाडु। अगला है, भारत के कुंभ मेला स्थल है प्रयाग हरिद्वार उज्जैन नासिक। अगला है, संगीत रत्नाकर ग्रंथकार है सारंग देव।
अगला किसिद्ध चित्त शकुंतला वियोग किस चित्रकार की कृति है? राजा रवि वर्मा की। अगला कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रमुख नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। अगला लोसांग उत्सव मनाया जाता है सिक्किम में। अगला सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब का मूल निवास था स्थान था आगरा।